हमें इशारे में अपने आपके व्यक्तित्व को उज्जवल करने की जो सीख दी है उस पर मैं ऐसा समझता हूँ। और कालवी साहब का उदाहरण देते हुए कि कालवी साहब ऐसा व्यक्तित्व था तभी इतनी भीड़ और इतना हुजूम आज हमारे बीच में है। किसी कवि ने लिखा भी है कि सरिता देती वारी की पाकर उसे सुपुरित घन हो, बरसे मेघ भरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो। और आत्मदान के संग जग जीवन का ये रिज नाता है, जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। तो जितना उन्होंने समाज को दिया इसलिए हम लोग सारे समाज के लोग यहाँ पर एकत्र आए हैं। इस बीच मेरा आग्रह रहेगा इसी क्रम में, श्री आसू सिंह जी लाछड़ी, आप लेफ्टिनेंट जनरल हैं, आप कालवी साहब के बहुत बड़े अनुयायी हैं, और मैं तो चाहूंगा डेगाना के लोगों से कि आप आसू सिंह जी को जोरदार तालियों से बुलाएं, क्योंकि आसू सिंह जी दिल्ली से स्वयं चलकर आए हैं। और कार्यक्रम में ये बोलकर कि भी कालवी साहब से मेरा बड़ा अच्छा संबंध था और मैं यहाँ पर स्वयं आना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आसू सिंह जी लाछड़ी, आप लेफ्टिनेंट जनरल हैं दिल्ली से। हेलो, मैं सबसे पहले परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी को सत सत नमन करता हूं। समस्त अमित छाप छोड़ दी, जो सदियों तक उनको हम जैसे लोग या आम आदमी उनको याद करते रहेंगे। एक छोटे से गांव से उठकर और देश की राजधानी दिल्ली तक केंद्रीय मंत्री का पद सुशोभित कर इन्होंने एक समाज को एक नई दिशा दी, नए नए कीर्तिमान स्थापित किए उन्होंने अपनी जिंदगी में, जो हमारे लिए प्रेरणादायी रहेंगे और अभी भी प्रेरणादायी हैं। आज जो ये आयोजन समिति ने इतना शानदार प्रोग्राम आयोजन किया है, मैं उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो ये प्रतिभाएं सम्मानित होने जा रही है उनको मैं साधुवाद देता हूं। मैं समझता हूं कि यहां पर आज काफ़ी क्षत्रिय और क्षत्राणियाँ उपस्थित है। अपने क्षत्रियों के लिए तीन लाइनें हैं जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, जो आज के समय में हमारी पुकार है, मैं ऐसा समझता हूं।
यही समय है, सही समय है, क्षत्रियों का अनमोल समय है। यही समय है, सही समय है, क्षत्रियों का अनमोल समय है। यही समय है साजा स्वप्न देखने का, यही समय है साजा स्वप्न देखने का, यही समय है साजा संकल्प करने का, यह समय है साझा प्रयत्न करने का, यह समय है सब भाइयों को साथ बैठने का, यह समय है सब भाइयों को साथ बैठने का, यह समय है उपजाति का भेद मिटाने का, यह समय है उपजाति का भेद मिटाने का, यह समय है समाज को शिखर पर ले जाने का, यही समय है, सही समय है, क्षत्रियों का अनमोल समय है। उठो क्षत्रियों, कुछ ऐसा नहीं जो कर न सको, कुछ ऐसा नहीं जो पा न सको। तुम उठ जाओ, तुम जुट जाओ, सामर्थ्य को अपना पहचानो, कर्तव्य को अपना सब जानो, क्षत्रिय समाज को शिखर पर ले जाओ। यही समय है, सही समय है, क्षत्रियों का अनमोल समय है। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत खूब, इसकी आवाज बढ़ाओ। आदरणीय ने जो आह्वान हम लोगों से किया है कि ये बिल्कुल ठीक और सटीक समय है, अब अगर हम देर करेंगे तो देर और ज्यादा हो जाएगी। मुझे